I have no words to explain my feelings. ये ऐसी feelings हैं जिनको अल्फाज में आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। वेलकम टू दी महत्ता, महत्ता यानी पेट्रोल पंप। यहाँ से सीधा आप हरम मस्जिद की तरफ जाते हैं और यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं, ये होता है तामिया। खूबसूरत सी इन्होंने एक लाइटिंग सी की हुई है डेकोर देने के लिए। और आज की वीडियो माय एक्सपीरियंस फ्रॉम जद्दा टू मक्का। फाइनली बड़े अरसे के बाद आज मैं जा रहा हूँ मक्का, लेकिन मक्का जाने से पहले आई नीड टू विजिट माय ऑफिस। ऑफिस तो जाना था, लेकिन ऑफिस जाने से पहले हमारे पास आ गया जी नाश्ता। ये है शख्सू का और ये है जी कॉफी। नाश्ता कहीं भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये नाश्ता ना किया तो आपको पता क्या होगा। डिलीशियस शक्शुका विद दिस। और मैं नीचे बैठ के, ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगता है नाश्ता करना, इसलिए मैं नीचे बैठा हुआ। बिस्मिल्लाह। देसी टच है इसमें, मिर्ची है, टमाटर है, मजेदार है। सीरियसली इट्स रियली गुड एंड कॉफी। वेलकम टू अल जदीद ऑफिस या स्टूडियो। अब ऑफिस आने का मकसद ये था कि ये जितने भी आर्ट में है ना, इनको चुटकी मार के बैग में पैक किया जाए और इस बैग को साथ लेके जाया जाए। लेकिन कल मैंने एक ऐसी चीज पढ़ी है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल ऑन द ब्लॉग। वो इस बुक के अंदर है। ये समरी है नेपोलियन हिल की बुक की, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन मुझे ये वाली जो आइटम है ना, ये मार्कर के रखी हुई थी। देयर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज विच वी एक्नॉलेज। विच तो है नहीं, दोज वी एक्नॉलेज। यानी इंसान की माइंड में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती जब तक वो अपने माइंड को खुद लिमिट नहीं करता, अपनी सोच को लिमिट नहीं करता। और इसकी एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे इस दुनिया में, मैनी एग्जाम्पल्स। और इससे हमारा बैग तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मस्जिद हराम की तरफ जाने का सही वक्त अगर आप उसके आसपास रहते हैं ताकि रश कम हो, वो जोर के बाद होता है। लेकिन आज मुझे यहाँ पे जो है ना 3:30 बज गए, 3:29। बट नो वरीज, इंशाल्लाह यू आर रिच। टिक्की की हालत देखें यार, क्या बनाई हुई है मैंने। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेल्ट पहनना लाजमी है जी, आपको हमेशा पहनना चाहिए। वैसे दुनिया में जो है ना विंटर मेरे ख्याल से आखिरी दिनों में है, लेकिन सऊदी अरब में विंटर क्योंकि आज जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि समर की शुरुआत हो चुकी है जो जद्दा में सऊदी अरब। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो प्रोग्राम था मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ने का, बट अजान यहाँ पे हो गई है। नमाज पढ़ना इज लाजमी फर्स्ट। बॉस, नमाज पढ़ने के बाद जो दिली सुकून मिलता है ना और जो रूह को सुकून मिलता है ना, उसका लेवल ही अलग है। खैर, अभी हम आपको जद्दा और मक्का के दरमियान एक जगह पे मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। वेलकम टू दी महत्ता, महत्ता यानी पेट्रोल पंप। मैं इस जगह की बात कर रहा था, ये फर्स्ट पेट्रोल पंप होता है जब आप जद्दा से मक्का की तरफ जा रहे होते हैं। वो वहाँ से जद्दा से लोग आते हैं, ये हरम मक्का की रोड है, हरमैन रोड कहते हैं इसे, और मक्का शरीफ वो सामने है। ये फर्स्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आने का मकसद इस डिश को ट्राई करना। इसको कहते हैं तामिया। बेसिकली ये इजिप्शियन डिश है, इजिप्शियन स्नैक कह सकते हैं इसे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हैव टू तामिया प्लीज। ये तो बर्गर टाइप का तामिया मिलने के लिए। नॉर्मली तामिया सैंडविच में होता है, लेकिन ये जो है ना बर्गर स्टाइल का ऐश के अंदर होता है। इस रोटी को कहते हैं ऐश, और ये होता है तामिया। जबरदस्त हुम्मस, ये तामिया, और ये बॉयल्ड एग, और उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे सलाद पत्ता भी डाला है इन्होंने। डिलीशियस स्नैक्स के तौर पे अच्छा रहता है, ना स्पाइसेस ना कुछ, बट इनका अपना स्टाइल है ऑफकोर्स। खैर, अभी हम लोग आपको बाउंड्री के ऊपर मिलते हैं जद्दा और मक्का की, इंशाल्लाह। जद्दा और मक्का की बाउंड्री, इसके बाद मक्का शुरू हो जाता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पे तो काफी ग्रीनरी थी, लेकिन अभी ग्रीनरी नहीं है। अभी ग्रीनरी खत्म हो गई है, ये बारिश होगी तो अगेन ये सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है वो जो रेल जो है अपने जब मक्का की तरफ जाते वक्त, That's very iconic. वहाँ की एक जगह का एक चीज का मैंने आपको बताना है। So meet you there now.
वो जो आप रेल देख रहे हैं ना, ये मोनूमेंट है पर कुरान पाक जिस तरह रखा है उन्होंने, यहाँ से सीधा आप हरम मस्जिद की तरफ जाते हैं और यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं जिस तरह ये मैंने लिया है, तो आपको इसके पास जा सकते हैं। ये यहाँ पे जिस तरह इन्होंने खोल के रखा हुआ है ना दरवाजा, इफ यू वांट टू गो इनसाइड, वहाँ पे आप खेल भी सकते हैं, बच्चों के साथ खेलने की जगह भी है। बाहर आ गया हूँ मैं। ये जो दरवाजा है ना काफी अरसे से बंद है। ओहो, लेकिन ये बंद है। सुनने में आया कि ये वाली जो जगह है ना ये मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने बंद की हुई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप वी रीच बिफोर मगरब। मगरब की नमाज हम मस्जिद अल हराम में पढ़ें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, आज ये बादलों का देखें कंडीशन कितनी जबरदस्त है, ये पहाड़। मगरब के बाद पहुँचना था और इशा के वक्त पहुँचे हम लोग डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। एक नसीहत करनी है कि कभी भी गूगल मैप को कैसे करें जब से जब तक यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती अपने मक्का के अंदर। यार अभी हम होटल पे पहुँच गए। कमरे की चाबी मिल गई है और ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। और ये है जी होटल जिसमें हम लोग रुके रहे हैं, ठीक ठाक लंबा होटल है और हमें 14th फ्लोर पे जगह मिली है और मस्जिद अल हराम उस साइड पे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसी होटल के नीचे पार्किंग मिल गई है, लेकिन पार्किंग फ्री नहीं है, उसके लिए अभी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। पार्किंग के भी हो गए, एक दिन का 90 रियाल, दो दिन का 180 रियाल और गुरफे की चाबी भी हो गई। लेकिन आज जो है ना ठीक ठाक हवा पड़ रही है मक्का मुकर्रमा में। इट्स सो डेंजरस हियर, यहाँ से अगर गाड़ी आ जाए तो क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, डू यू थिंक वी विल फाइंड पार्किंग? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पार्किंग मिल गई। दो तीन दिन के लिए रहना है ना, इसलिए काफी सारा सामान आया है और इसके अंदर जो है ना मेरे कपड़े। यहाँ पे गाड़ी पार्क करें और आपको एलिवेटर मिल जाता है, जिस एलिवेटर से आपने ऊपर जाना है इंशाल्लाह। और हमारे साथ इस ट्रिप में हमारे अहमद साहब भी थोड़े से बीमार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ इस होटल में मिलता है और इस लिफ्ट में 8 बंदे जा सकते हैं, 630 केजी से ऊपर नहीं। 1406, 1405, 1401 से 1412 वहाँ बिस्मिल्लाह। पहुँच गए जी 1405 में। अहमद ओपन द डोर, कार्ड बड़े जबरदस्त इनके। होल्ड दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस एंड देन ओपन इट। मूव मूव। Expect a very good room tour. अभी हम आपको देंगे मिनी होटल रूम टूर। और अगर कहा जाए कि वन ऑफ द होटल रूम्स है जिसको अंदर दाखिल होते ही खत्म हो जाता है तो गलत नहीं होगा। तो ये है जी एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर आते हैं। राइट साइड का पहले आपको वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम इज मिनी एज वेल, वॉश बेसिन, गोसल करने की जगह। एंड दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे अलमारी सी मिलती है, इस अलमारी के अंदर आपको ये चाय की चीजें मिलती हैं, यू कैन ड्रिंक चाय। तीन कॉम्प्लीमेंट्री पानी दिए हुए इन्होंने। यहाँ पे आपको मिलता है कपड़े लटकाने की जगह, जो दूसरा है इसमें भी आपको चीज़ें रखने की जगह मिलती हैं। और ये है जी पैसे रखने की जगह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोबारा कपड़े रखने के लिए जगह, ऊपर मेरे ख्याल से रजाई रखी हुई है इन्होंने। और फिर जब आप आगे जाते हैं तो ये मार्बल है और ये इन्होंने बार्क के लगाई हुई है। आई थिंक आपको तीन बेड्स मिलते हैं, 1, 2, 3। खूबसूरत सी इन्होंने क्लैडिंग सी की हुई है डेकोर देने के लिए और इसको कहते हैं नूर मतफी, ताकि एक डिज़ाइन बन सके। और जब आप इसके सामने देखते हैं दो चेयर्स आपको मिलती हैं, एक टीवी आपको मिलता है, ज़बरदस्त सा शीशा मिलता है जहां आप अपने आप को देख सकते हैं, टेबल मिलता है जहां पे आप बैठ के काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लगेज के लिए जगह मिलती है, टेलीफोन मिलता है, आप कॉल करें किसी वक्त भी, हमेशा आपकी सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। और वो है व्यू। अब ये व्यू वन ऑफ द अमेजिंग व्यू है, मस्जिद हराम की तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ है, क्योंकि अभी रात है, इट्स नथिंग देयर, आप कुछ भी नहीं देख सके। कल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन लेट मी चेक अगर ये खुल जाए। ओए होए होए होए, हम 14th फ्लोर के ऊपर हैं, ठीक ठाक ऊपर हैं। ये मक्का शहर है, यहाँ से आपको मक्का शहर नज़र आता है इंशाल्लाह। कल जैसे ही
उठेंगे तो इसका व्यू देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। रूम टूर तो कर दिया है, लेकिन सुनने में आया कि इनका जो जिम है ना वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है। जिम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान की सेहत के लिए। L1 पे तो आ गए, लेकिन पता नहीं जिम किधर है। अस्सलाम वालेकुम, इज देयर जिम हियर? अभी हम लोग जाएंगे मस्जिद हराम में, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं ईशा की, वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह आपको। हमारी प्यारी मस्जिद हराम, जितना सुकून यहाँ पे है ना दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है। ये परिंदों की आवाज़ें सुन रहे हैं, अभी ख़त्म हो गई हैं, बस परिंदों की आवाज़ें आ रही थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आ रही थी। कभी कभार दिल करता है कि भाई यहाँ पे जो है ना बैठ के आदमी मस्जिद हराम को देखता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत नमाज दुआएं सब कुछ कर लिया, बस यही है दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है ना कामयाब करें और हमें अपने नबी के नक्शे कदम पे चलाएं। दुनिया की सारी मुश्किलात जो टेंशनें प्रॉब्लम्स हैं सारी सब हल हो जाएं, खासकर हमारे फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए, उधर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आसानी करें और हमें हिम्मत दें कि हम कुछ कर सकें इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रात के वक्त इतने परिंदे हैं माशाल्लाह। हमारा प्यारा काबा, I have no words to explain my feelings. ये ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको अल्फाज में बयान करना जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। See you next vlog, इंशाल्लाह।